यूपी बोर्ड की परीक्षा जारी है। 10वीं और 12वीं के पेपर 8 से लेकर 4 मार्च तक चलने वाले हैं। सुबह 8 बजे से 10वीं की हिंदी की परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 11 बजे तक चलने वाली है। वहीं सेकंड शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक इंटरमीडिएट हिंदी का पेपर होगा। परीक्षा के लिए सुरक्षा के भी खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। लखनऊ में कंट्रोल रूम बनाकर निगरानी की जा रही है। अधिकारी पूरे यूपी में हो रहे परीक्षा को लेकर के नजर बनाए हुए हैं। इन 3 तस्वीरों को आप देखिए, कंट्रोल रूम से निगरानी यहां रखी जा रही है। परीक्षा को लेकर के एक एक छात्रों पर यहां नजर रखी जा रही है। लेकिन जब छात्र पहुंचते हैं सेंटर पर तो उनका स्वागत किया गया है, टॉफी उन्हें दी गई है, फूल दिया गया छात्रों को, ताकि छात्र किसी भी तरीके से तनाव में ना रहे, तनाव मुक्त होकर के छात्र परीक्षा देने के लिए जाए। इस तरीके से प्रशासन की तरफ से खास तौर पर ध्यान रखा गया है। तो परीक्षा शुरू हो चुकी है। नकल रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें सीसीटीवी से लेकर के निगरानी के रखने के लिए वॉइस रिकॉर्डर लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। मजिस्ट्रेट की निगरानी में ये पूरे पेपर कराए जा रहे हैं। कॉपियों की बारकोडिंग भी यहाँ पर की गई है। कॉपियों में माध्यमिक शिक्षा परिषद का लोगो भी लगा है। प्रदेश स्तर पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहीं आप देखिए, शिक्षा परिषद मुख्यालय से निगरानी रखी जा रही है। वहीं कॉपियों की सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। कॉपियां स्ट्रांग रूम में रखी जाएंगी, जो डबल लॉक में होगा। और इस बार प्रिंसिपल ऑफिस में नहीं रखी जाएंगी कॉपियां, ये पहले ही साफ हो चुका है। इस बार इन कॉपियों को स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आज से जुड़ी हुई है, क्योंकि यूपी बोर्ड की परीक्षा, जो कि देश की सबसे बड़ा बोर्ड है, शुरुआत हो चुकी है। 2 शिफ्टों में ये एग्जाम हो रहे हैं। लेकिन पहले ही प्रशासन की तरफ से दावे किए गए थे कि नकल विहीन परीक्षा को कराया जाएगा। इसके लिए बड़े इंतजाम भी किए गए हैं। कॉपियों की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि कॉपियां स्ट्रांग रूम में रखी जाएंगी। पेपर हो जाने के बाद डबल लॉक इसमें रहेगा। इस बार प्रिंसिपल ऑफिस में कॉपियां नहीं रखी जाएंगी, ये बात भी साफ कर दी गई है। वहीं प्रदेश स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और वहां से निगरानी की जा रही है। ये तस्वीर आप देखिए, श्रावस्ती की तस्वीर, इटावा, कुशीनगर, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। शैलेश अरोड़ा जुड़ चुके हैं मेरे साथ। शैलेश, कहां पर आप मौजूद हैं बताइएगा, और वहां पर कैसे इंतजाम आप देख रही हैं? देखिए, इस समय सोनिका हम राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में मौजूद है, जहां से पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग हो रही है। प्रदेश में 8000 से ज्यादा जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, उनके एक एक कमरे को इसी कंट्रोल रूम से बैठे बैठे देखा जा रहा है। पहले पीछे की तस्वीरें आप देखिए, ये एक बड़ी सी LED स्क्रीन है और ये आप एक स्क्रीन पे ये 16 जगह के अलग अलग विजुअल देख सकते हैं, जिनको बार बार बदला जा रहा है। गेट से लेके कॉलेज के और परीक्षा कक्ष तक एक एक तस्वीर यहां पर देखने को मिल रही है। आपको बताएं कि इस पूरे कंट्रोल रूम की अगर हम कार्यप्रणाली पर बात करते हैं, और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, माय कैमरा सहयोगी प्रमोद जो आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, इनको समझाना अब हम शुरू करते हैं। 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में। हर मंडल के हिसाब से यहाँ अलग अलग डेस्क बनाई गई है। जैसे ये हमारे सामने है प्रयागराज मंडल, तो प्रयागराज मंडल के लिए यहाँ पर 4 कंप्यूटर स्क्रीन लगा दी गई, 4 लोगों की ड्यूटी लग गई। अब ये 4 लोग इस प्रयागराज मंडल के जितने परीक्षा केंद्र हैं, उनको बार बार अपनी मॉनिटर पर चेंज कर रहे हैं और उसके बाद देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर परीक्षा चल रही है। ये आप देख सकते हैं, जिस स्क्रीन को चाहेंगे वो बड़ा कर लेंगे, यानी जूम कर लेंगे, और उसके बाद उसकी पूरी जानकारी यहाँ से देखने को मिलेगी। आगे की तरफ आपको चलें और हम दिखाएं, इस कंट्रोल रूम में एक ये शिकायत निवारण प्रकोष्ठ भी बनाया गया है। एक सिस्टम लगा है जहाँ पर लगातार ईमेल जो है, अगर किसी को कोई चीज़ जानकारी है, समस्या आती है, तो उससे जुड़ा हुआ। इसके बगल में ये प्रभारी हैं ट्विटर और फेसबुक के, प्रभारी हैं व्हाट्सएप के, यानी अलग अलग जो सोशल मीडिया, उनके माध्यम से अगर कोई सूचना आ रही है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर देखा जा रहा है। ये चित्रकूट मंडल, झांसी मंडल, कानपुर, सहारनपुर, ये इस तरह से एक बहुत ही बड़ी सी टीम यहाँ पर तैयार की गई है, जो यहाँ पर मॉनिटरिंग का काम कर रही है। अब इसके बाद आपको दिखाते हैं अगले चरण में कि किस तरह से यहाँ पर जो अधिकारी हैं, उन्होंने किस तरह से मोर्चा संभाला हुआ है। हम आपको मॉनिटर दिखाते हैं, अब चलते हैं अधिकारियों से बातचीत भी करते हैं। और देखिए, इससे पहले जब हम अपने दर्शकों को जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम भी दिखा रहे थे, देखिए यहाँ पर हमें विष्णुकांत पांडे जी, इसके अलावा अमर सिंह, अमरकांत सिंह जी, ये लोग दिख रहे हैं। सर से बात करते हैं। सर प्लीज, सर जानना चाहेंगे इस कंट्रोल रूम के बारे में, किस तरह से पूरी मॉनिटरिंग चल रही है? हमारे, जैसा आप जानते हैं, हमारे हर एक उसमें सेंटर पर, हर कक्ष में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और वॉइस रिकॉर्डर लगा हुआ है। वो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से कनेक्टेड है और यहाँ से भी कनेक्टेड है। इस कंट्रोल रूम से हम प्रदेश के सभी जो 8700 सेंटर्स हैं, उनको संपर्क कर सकते हैं, उनके किस कक्ष में क्या गतिविधि हो रही है सीधे देख सकते हैं। आप किसी भी स्कूल को
यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं और मॉनिटर रैंडम बेस पर किया जा रहा है। कहीं भी कोई ऐसी गतिविधि दिखाई पड़ती है जो परीक्षा के अनुकूल नहीं है तो हम फिर उसके बारे में सेंटर सुपरिंटेंडेंट से संपर्क कर उन्हें सचेत करते हैं और दंडित करने का काम भी इस हिसाब से। ये कि यहाँ पर देखिए भगवती सिंह जी जो संयुक्त शिक्षा निदेशक है वो भी अभी अभी पहुँचे हैं यहाँ पर। एक चीज़ और हम चाहेंगे सर, आप दिखाएं जो बड़ी सी LED है, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर रूम को पूरी स्क्रीन पे देखना चाहें तो उसकी सुविधा भी है? बिल्कुल सुविधा है। आप हमारे दर्शकों के लिए एक बार कोई भी एक कमरा जिसमें परीक्षा चल रही है एक डेमो के तौर पर दिखाएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल दिखाएं, अंदाज़ा हो कितनी गहन मॉनिटर। बिल्कुल दिखाया जा सकता है। आप एक इस समय देखें एक सेंटर के ये 9 कक्ष आपको दिख रहे हैं LED पर, और अगर हम फोकस करना चाहें किसी एक कक्ष पर तो हम तत्काल फोकस करा सकते हैं। आप आए तो जो हमारा ऑपरेटर है हम उससे कहेंगे आप एक कक्ष को करिए। आप देख सकते हैं बड़ी स्क्रीन पर ये एक कक्ष है, इसमें बच्चे कि कौन बच्चा क्या गतिविधि कर रहा है ये लाइव मॉनिटरिंग हो रही है। यदि अगर आपस में बच्चे बात करते भी दिखेंगे तो यहाँ लखनऊ से दिख जाएगा। ये आपको मिर्ज़ापुर का एक स्कूल दिख रहा है इस समय स्क्रीन पर, तो देखिए मिर्ज़ापुर की दूरी लखनऊ से कितनी है और उसमें स्कूल में कक्ष संख्या 3 में हम इस समय हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सघन मॉनिटरिंग हमारी है। बिल्कुल देखिए कितनी बारीकी से मॉनिटरिंग हो रही है, हमने समझा। देखिए मिर्ज़ापुर का कॉलेज है, उसका क्लासरूम कौन सा ये पता चल गया। अब अगर यहाँ पर कोई गतिविधि दिखी तो सीधे उस क्लासरूम में किसकी ड्यूटी है वो भी एक क्लिक पे मिलेगा और सीधे वहाँ पे जो केंद्र व्यवस्थापक है उनसे बात की जा सकती है, जानकारी ली जा सकती है। एक पुराने समय में सोनिका आपको याद होगा एक बात चलती थी, इमला बोलकर नकल करवाना, यानी कि क्लासरूम में पहले के समय देखते थे कि एक व्यक्ति है वो बोल रहा और पूरा क्लासरूम में परीक्षार्थी जो है वो नकल कर रहे हैं, उस पेपर को लिख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन इसको बदलने की कोशिश यहां पर सरकार की तरफ से इस बार कर दी गई है। चलिए साहब वहां पर हैं, नजर आप बनाए रखिएगा, आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि अब 9:00 देखिए 12 मिनट हो चुके हैं, परीक्षा 8 बजे से शुरू है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लेकिन इसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया, उन्होंने बच्चों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने लिखा कि यूपी बोर्ड समेत अन्य शैक्षिक बोर्डों की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे विद्यार्थियों को मेरी स्नेहपूर्ण शुभकामनाएं। आप सभी लोग बिना किसी तनाव के पूरे मन से परीक्षा में शामिल होइए, आपके द्वारा किए गए परिश्रम से निश्चित ही मनोअनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ट्वीट किया गया। परीक्षा की शुरुआत होने से पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को शुभकामनाएं दी और कहा कि आप बिल्कुल तनाव मुक्त होकर के परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे और अपने परीक्षा को अटेम्प्ट करिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।